नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित एक नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने माखन चोर की भूमिका अदा कर श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बच्चों ने कृष्ण भक्ति के गीतों पर नृत्य किया और मंच पर भगवान कृष्ण की झांकियों को सजीव कर दिया। जन्माष्टमी के पावन मौके पर बच्चों ने लड्डू गोपाल जी के मंदिर को सजाकर पूजा अर्चना और आरती करते हुए श्री कृष्ण के बाल रूप को झूला झुलाकर माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया। की बांसुरी और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित चित्रों से सजाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल रुचि शर्मा ने विद्यार्थियों की कला की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम सभी को श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों का अनुसरण करते हुए सकारात्मक सोच के साथ कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मानना है कि स्कूल का मतलब कोई एजुकेशन देना, केवल किताबें पढ़ा देना, सिलेबस पढ़ाना, एग्जाम करना वो काफ़ी नहीं है। एक होलिस्टिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि बच्चे हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, उन सब को भी जानें। और ये हमारे अपने स्कूल में एक परंपरा ही कहूँगी है कि हम हमेशा कोई भी फेस्टिवल है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसको बहुत खूबसूरती से मनाते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे भी भाग लेते हैं। और इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ स्कूल मैनेजिंग कमेटी वो भी हमारे साथ हैं। और खास बच्चों ने क्या कुछ आइटम तैयार किए? बच्चों के नेचुरली अगर ये प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी पे है तो जितना भी आज का कार्यक्रम है वो कन्हैया पर है, कृष्ण पर है, बच्चों के भजन है, नृत्य है, और कुछ हमारे अपने टीचर्स का भी है। माहौल बना रहे हैं, आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है। और मैं इस पर्व पर आप सबको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मैनेजमेंट का कि उनकी गाइडेंस, उनका मोटिवेशन, उनका सपोर्ट ही शायद हमें ये सब करने के लिए प्रेरित भी करता है, उत्साहित करता है और हम कर पाते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।